लोग हैं बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ बनारस में, और मैं आपको यहाँ का पूरा जितने भी घाट मंदिर हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो जो भी यहाँ पर अब पड़ेगा वो मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं चल करके कि यहाँ पर किस तरीके के मंदिर हैं और किस तरीके से घाट हैं, मैं आपको पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको सामने का एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके का यहाँ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको काफ़ी क्राउड मिलेगा, तो अपना मास्क ज़रूर लगाए रखिएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, तक हम लोग हैं दशाश्वमेध घाट। ये जो घाट है ये पूरा का पूरा यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर जो है ये आपका दशाश्वमेध घाट है, यहाँ से लगा करके ये वहाँ पर वहाँ तक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोने में पूरा का पूरा ये आपका दशाश्वमेध घाट यहाँ से है। सारे के सारे जो आपके घाट होंगे वो यहाँ पर मिलेंगे और लास्ट में आपका हरिश्चंद्र घाट होगा यहाँ पर। और यहाँ पर अब जब इधर इस तरफ जाएंगे आपका, तो इधर आप जैसे ही यहाँ को बढ़ेंगे सबसे लास्ट वाला जो आपका घाट होगा वो होगा मणिकर्णिका घाट, जो लाशों का दाह संस्कार दो ही जगह होता है, एक होता है मणिकर्णिका घाट में और दूसरा होता है आपका हरिश्चंद्र घाट में। यही दो घाट है, इनके बीच में ही आपको यहाँ पर नाव से जो घुमाएंगे, ये देखिए ये नाव से घुमाएंगे। ये आपका 50 रुपये आना जाना है आपका, पूरा का पूरा 50 रुपये लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप बनारस आ रहे हैं यहाँ पर आपको रुकने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप यहीं पर मंदिर प्रशासन से थोड़ी दूर पर हटकर आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, रहना आपका सब कुछ यहीं पर हो जाएगा और आपका पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, जो ज़्यादा आपका खर्च भी नहीं होना है। बाकी आप चाहें तो जब आप वहीं पर आएंगे, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो वहीं पर आपका होटल आपको वहीं पर उपलब्ध मिल जाएंगे। अगर आप वहां होटल आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप यहां पर आइए, मंदिर प्रशासन से 2-3 किलोमीटर आपके रेंज में ही आपको कमरा मिल जाएगा और सस्ते से सस्ता आपको कमरा मिल जाएगा। क्योंकि मैं आज यहाँ पर दोबारा आया हूँ और मैं अभी दर्शन करने वाला हूँ, जहाँ तक मुझको वीडियो बनाने दिया जाएगा वहाँ तक का मैं आपको दिखाऊँगा, और जहाँ नहीं बनाने दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए, और साथ ही साथ अगर आपने मेरा पिछला जो वीडियो है बनारस वाला वो नहीं देखा तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जा करके देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं घूमते हैं। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर जो है वो मैं स्नान अब हो चुका है, स्नान करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे घाटों की तरफ, वहाँ पर देखेंगे चल के। और जो पिछली वीडियो थी वो रात की वीडियो थी क्योंकि मैं वहाँ यहाँ पर रात के आया हुआ था, और ये जो है वो दिन की वीडियो है। अगर आप रात की वीडियो देखना चाहते हैं तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जा करके आप रात की वीडियो देख लीजिए। चलिए हम लोग घाट घूमते हैं चल करके। आपका दशाश्वमेध घाट ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, घाटों में सबसे ज़्यादा व्यस्त घाट आपको मिलेगा दशाश्वमेध घाट। चलिए मैं आपको सबसे पहले मंदिर दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी यहाँ पर संपूर्ण घाट हैं मैं आपको पूरे के पूरे घुमाने वाला हूँ। ये आपका है शीतला घाट, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो मैं हम लोग जो चलेंगे वो चलेंगे 80 घाट तक, पूरा का पूरा वहाँ तक आपको लेके चलूँगा मैं। पर देख सकते हैं यहाँ है आपका मुंशी घाट, फिर देखिए सामने आपका है मुंशी घाट यहाँ पर, फिर इसके बाद में यहाँ पर आ गया दरभंगा घाट के बाद में, फिर इसके बाद में राड़ा घाट ये सामने ही है। ये देखिए ये नज़ारा है यहाँ का, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको। मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। यहीं बनारस में रक्तांचल की शूटिंग भी है और यहीं के उसमें दृश्य आपको देखने को, और मैं पूरे के पूरे आपको घाट दिखाने वाला हूँ और पास्ट दिखाने वाला हूँ, ये देख लीजिए आप। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं और घाटों तक देखते हैं चल करके। देखिए चल रहे हैं साथ ही साथ, अब ये आपका है बउआ पांडे घाट, ये ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बउआ पांडे घाट है, बउआ पांडे घाट है। और साथ ही साथ ये जो मेरा बैग है, मेरे साथ में एक बैग मैं लेके चलता हूँ, ये देख लीजिए इसमें मेरा जो सामान है वो पूरा का पूरा रहता है। तो देखिए चल रहे हैं भाई, जो वीडियो है वो स्टेबल इस वजह से नहीं रहेगा क्योंकि मैं कहीं पर कैमरा रख करके, और ये मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से चलते हुए कैमरे से वीडियो बनाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा आप लोगों को, दिखा भी नहीं पाऊँगा। अगर चलते हुए देखिए जाने को तो नाव से, जो मैं पिछली बार गया था वो नाव से गया था, नाव में रात का नज़ारा अगर आपको देखना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अगर इस तरीके से जाएंगे तो आपका
क्या कहते हैं, पहुंचने में आपको 10 मिनट यहाँ लगेगा हरिश्चंद्र घाट तक, और 5 मिनट वहाँ पर लगेगा। और दशाश्वमेध घाट से अगर वहाँ उस तरफ जा रहे हैं पीछे तरफ, तो आपका 5 मिनट उधर लगने वाला है और इधर पर आपका 10 मिनट लगेगा खींच के 10 मिनट, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो। पैदल चलने की अगर आप नहीं हो कर रहे हैं तो फिर आप उसी नाव से जाइए, लेकिन नाव से आप उस तरीके से जिस तरीके से मैं यहाँ घूम रहा हूँ उस तरीके से आप यहाँ घूम नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये है आपका राजा घाट, ये है आपका राजा घाट यहाँ पर है। और इसी तरीके से आगे जो लास्ट में अब रह गया है, बस यहाँ से एक मान लीजिए 500 मीटर और है, वो वहाँ तक ही नाव वाले आपको लेके जाएंगे हरिश्चंद्र घाट। जैसा मैंने बताया यहाँ पर दो ही घाट हैं जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है, और देख सकते हैं अब यहाँ पर आ गया है नारद घाट, ये जो आपका नारद घाट है। और मास्क जरूर लगाए रखिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, देखिए कोविड का समय चल रहा है, सेफ्टी अपने हाथ में है, सेफ्टी अपने हाथ में। बाहर निकल रहे हैं आप, घर में हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइएगा। ये देखिए नारद घाट आ गया आपका, यहाँ से आप चलते जाएंगे आपको घाट ही घाट मिलने वाले हैं, सबका नाम मिलेगा। ये देखिए ये नारद घाट है यहाँ पर, और जस्ट आगे ही आपका मानसरोवर घाट आ गया, देख लीजिए। और वो जो वहाँ आपको मैं बता रहा हूँ वहाँ पर, वहाँ आपका है हरिश्चंद्र घाट। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो स्वाभाविक सी बात है लाइक, कमेंट आप लोग नहीं करते, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि कमेंट नहीं करते, बताते नहीं है कि वीडियो में कमी क्या है, कमी बताइए तो उस चीज़ को मैं दूर करूं, क्योंकि जब आप लोग बताएंगे कि नहीं ये कमी है तभी तो मैं उसको दूर कर पाऊंगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो में कमियाँ क्या हैं तो मैं उसको सुधार कर सकूँ। चलिए आगे चलते हैं, आगे घूमते हैं चल करके। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का नज़ारा है, देखिए घूम करके आपको दिखाता हूँ हल्का सा, ये देखिए ये घाटों का नज़ारा कुछ इस तरीके से। और इस समय हम लोग खड़े हुए हैं चौकी घाट में, केदार घाट देख लीजिए, केदार घाट ये है आपका, ये देख लीजिए ये आपका है हरिश्चंद्र घाट। ये देखिए दाह संस्कार के लिए देखिए आ रहे हैं, ये देखिए यहीं पर दाह संस्कार होता है, ये देखिए हरिश्चंद्र घाट का नज़ारा था वो मैं वीडियो में नहीं कैप्चर कर रहा मैंने, क्योंकि बहुत ही मतलब विचलित करने वाला जो था वो दृश्य था, इस वजह से मैंने उसको वीडियो में नहीं लिया। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया जा रहा था और वहाँ पर आप लोग दिक्कत होती, इस वजह से मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया। यही आपका है, ये आप देख सकते हैं यही है आपका हरिश्चंद्र घाट। यहीं से मैं दूर से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, दूर से ही दिखाऊँगा, पास से नहीं दिखाऊँगा। ये देखिए ये जो है ये आपका हरिश्चंद्र घाट है। तो चलिए आगे चलते हैं, 80 घाट तक हम लोग जाएंगे, 80 घाट तक हम लोग जाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग वापसी हो जाएंगे। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये केवल आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता तो नाव में भी जा करके आराम से घूम सकता था, वैसे भी मैं आ चुका हूँ, घूम चुका हूँ यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं और आगे चलते हैं। गुलरिया घाट देख सकते हैं, गुलरिया और शिवाला घाट, फिर आगे महानिर्वाण घाट, और हम लोग 80 घाट तक जाने वाले हैं, उसके बाद में मैं वापसी होऊंगा वहाँ से, फिर आपको वहाँ तक लेके चलेंगे लास्ट तक मणिकर्णिका घाट तक। चलिए चलते हैं। आपका तुलसी घाट, ये देखिए तुलसी घाट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, 16वीं सदी में उत्तरार्ध और 17वीं के पूर्वार्ध में इस घाट पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, इसीलिए इसे तुलसी घाट कहते हैं। यहीं पर रामचरितमानस की उन्होंने रचना की थी, इसी वजह से इस घाट का नाम है तुलसी घाट, और ये प्रसिद्ध घाट है। ये गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट सब बिल्कुल बगल बगल में लगे हुए हैं। यहाँ जितने भी घाट आपको मिलेंगे, भी घाट मिलने वाले हैं, सब बिल्कुल जस्ट बगल बगल में ही घाट आपको मिलेंगे, जितने भी घाट हैं आपके। आप यहाँ से पैदल स्टार्टिंग करिएगा और पैदल ही आप जाके वहाँ पर घूम सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, जैसे मैं अभी पैदल चल रहा हूँ तो मुझको जो समय लगा है ये मान लीजिए 20 मिनट आपको इधर लग जाएगा, और वापसी आप जाएंगे तो उधर आपको लगेगा 25 मिनट उधर का मान के चलिए, मतलब एक घंटे में आप चल लेंगे पूरा। और टोटल मैं बता दूं आपको कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ेगा, 1.5 से 2 किलोमीटर में आप पूरे के पूरे घाट घूम लेंगे। ये देख लीजिए यही आपका लास्ट घाट था, ये आप देख सकते हैं सामने, मैं आपको दिखा देता हूँ, यही आपका लास्ट घाट है जो है, उसके बाद में आपके घाट नहीं है, यही आपके थे। और यही जो घाट है, ये जो घाट है ये 80 घाट है, ये देख लीजिए 80 घाट, ये देखिए सामने लिखा भी हुआ है, जूम करके हल्का दिखाता हूँ, ये देखिए 80 घाट, यही आपका लास्ट घाट है 80 घाट। और आपने देखी होगी तो यही वो 80 घाट है जो पिक्चर में दिखाया गया है, 80 घाट यही है, 80 घाट ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये 80 घाट है यहाँ पर। और पैदल चलते चलते तो
पसीना निकल आया क्योंकि गर्मी है, सर्दी का वैसे मौसम लेकिन गर्मी है। चलिए देखते हैं अगर मंदिर है यहाँ पर, तो मंदिर यहाँ पर नहीं है। और वैसे बता रहा हूँ, अगर मंदिर आप जाएंगे, मंदिर एक एक मंदिर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। मैं केवल आपको इसी तरीके से दिखा रहा हूँ, मंदिर के अंदर नहीं जा रहा हूँ, और मंदिर के अंदर जाने में समय काफ़ी लग जाता और मैं आपको घुमा भी नहीं पाता। उसमें आपको कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाता। और यहाँ का जो बनारस का पान है वो फेमस है, बनारस का पान ज़रूर खाइएगा। यहाँ आ रहे हैं तो बनारस का पान ज़रूर खाइएगा, क्योंकि मैंने अभी खाया हुआ था पान, काफ़ी अच्छा पान बनाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सुपारी जो होती है वो नाम मात्र की डालते हैं, नाम मात्र की आपकी सुपारी मिलेगी, कुछ मतलब कटा हुआ भुरकुन टाइप में डालते हैं। चलिए देख लेते हैं, लास्ट है ये आपका, चलते हैं हम लोग। और जो वीडियो स्टेबल नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ, तो चलते हुए वीडियो बनाने में क्या कहते हैं, ये देखिए यूको महोत्सव, जय माँ गंगा सेवा समय, यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और यहाँ आपको अभी तो भीड़ कम है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी भीड़ कम है। जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर भीड़ रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ पर तो अभी बहुत कम ही है क्योंकि कोरोना का समय है, दूसरी तीसरी लहर आ चुकी है, इस वजह से यहाँ पर बहुत कम है। ये देखिए यही है आपका लास्ट घाट जो है, ये पूरा का पूरा आपका लास्ट घाट है। 80 घाट के आगे आपको कोई घाट नहीं मिलने वाला है, ये यहाँ से देख सकते हैं, केवल यही 80 घाट है जो है। ये देखिए यहाँ पर ये बनाए गए हैं बाकायदा, ये देख सकते हैं आप। चलिए मैं थोड़ा सा आपको सामने से भी दिखा देता हूँ चल करके, चलिए चलते हैं। ये देखिए ये पूरा यहाँ से आप लेंगे, यहाँ से लगाते लगाते आपका उधर होते हुए पूरा का पूरा वहाँ चला जाएगा। और यहाँ पर इस तरफ आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ से आपका बस ये लास्ट घाट है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लास्ट आपका घाट है, यहाँ तक आपका लास्ट है। फिर यहाँ से अब हम लोग चलेंगे, यहाँ से चलते हुए जाएंगे हम लोग, वहाँ तक हम लोगों को जाना है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे। शायद आपको नहीं ना भी दिखाई पड़ रहा हो, देख लीजिए आप यहाँ से, ये देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम लोग इस तरफ चलते हैं, इस तरफ चल के हम लोग जाएंगे वहाँ पर मणिकर्णिका घाट तक हम लोग चलेंगे। चलिए चलते हैं, आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट, अब हम लोग इधर चलने वाले हैं, यहाँ तक हम लोग चलेंगे मणिकर्णिका घाट तक। चलिए चलते हैं वहाँ पर भी देखते हैं, इसके बाद में हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ, चलिए चलते हैं। आपका जो है वो है दशाश्वमेध घाट यहाँ पर है, इसके बाद में यहाँ तक आप आ सकते हैं, ये जो है ये ललिता घाट तक, यहाँ तक आप पैदल आ सकते हैं बस, इसके बाद में आपका जो रास्ता है वो बंद है। और इसी के आगे ही आपका जो है पड़ेगा वो पड़ेगा मणिकर्णिका घाट। ये है आपका मणिकर्णिका घाट, और ये सामने देख सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने देखिए पूरा आपको घुमाया हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, और अगर वहाँ पर तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर वीडियो बनाने की एक तो मिलेगी नहीं, पहली चीज़ वहाँ कोई भी वीडियो नहीं बना सकता है। तो चलिए पहले घूम करके आते हैं वहाँ तक का, मैं पास तक का जहाँ तक का वीडियो बनाने के दिया जाएगा वहाँ तक का मैं आपको दिखा देता हूँ चल के। चलिए चलते हैं। लोग यहाँ पर बनारस की गलियों में चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मैं घाट के पास में था तो मुझको यहाँ से ज़्यादा पास पड़ेगा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आप मेन उससे जाना चाहते हैं तो आप मेन में आपका जो गेट है वहाँ से आप जाइएगा, वहाँ से आपको पास पड़ेगा। और हम यहाँ पर घाट के पास में थे तो हम यहाँ से जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए ये आपका सामने मंदिर है, और यहाँ से आप अपना जो भी प्रसाद है वो ले लीजिएगा, और साथ ही साथ आप मंदिर परिसर के अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते, मोबाइल पर्स कैमरा आपका कुछ भी अलाउ नहीं है। चलिए हम लोग दर्शन कर कर के आते हैं, इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके का मंदिर है। और ये जो आपका है वो गेट नंबर 2 है, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 4 गेट हैं, तो दूसरा ये गेट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और दर्शन कर करके आते हैं, फिर बताते हैं हम आपको। तो हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, जो कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उससे लगभग आपका 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा। वहाँ पर आपका जो काल भैरव मंदिर है वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर वहाँ पर इजाज़त मिलेगी मोबाइल ले जाने की, देखिए काशी विश्वनाथ में तो आपको मोबाइल पर्स कुछ भी नहीं ले जाने दिया जाएगा,
और जो पहले जा चुके हैं उनके लिए नया सा बन गया है। पहले और अब में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं हो के आया था उस समय और अब के काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत बड़ा फ़र्क है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी नहीं गए हैं, जो पुराने लोग थे, अगर वो जाएंगे तो उनको नया कुछ मिलेगा देखने के लिए, तो ज़रूर जाइएगा। तो हम लोग चल रहे हैं काल भैरव मंदिर। तो जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा ही है, लाइन जो लंबी लगी हुई है वो कम से कम नहीं तो 200 से 300 मीटर लंबी लाइन है, ये समझ लीजिए। हम करा रहे हैं कम से कम 200 से 300 मीटर लंबी लाइन है और आपको कम से कम एक घंटा लगने वाला है। बेहतरीन भीड़ लगी हुई है, बेहतरीन भीड़ आपके सामने। बहुत लंबी लाइन है यार, सिस्टम बनाओ गजब, बहुत लंबी लाइन है भाई, बहुत लंबी लाइन है। देखो ये देखिए, लंबी लाइन बहुत ज़्यादा है, एक डेढ़ घंटा लगेगा। और तो आराम से आप दर्शन करिएगा, दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जो लाइन लगी हुई है वो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। तो आराम से आइए, आराम से दर्शन करिएगा। तो चलिए दूसरी जगह चलते हैं, घूमते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।